हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस। आज हम आपको केमिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि आज इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में हम आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में और बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस एक तरह के प्रोसेस होता है जिसमें कि पुराने सब्सटेंसेस से नए सब्सटेंसेस बनते हैं और जो नए सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज होती है वो पुराने सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग होती है। यानी कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ओल्ड सब्सटेंस से नया सब्सटेंस बनता है और वो जो नया सब्सटेंस होता है वो बिल्कुल नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी होती है बिल्कुल एकदम अलग होती है ओल्ड सब्सटेंसेस से। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसमें जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। जो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या इसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या रिएक्टेंट्स होते हैं, वो सब हम आपको बताते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम को अगर हम एयर की प्रेजेंट में बर्न करते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और एयर दोनों आपस में कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? एयर में क्योंकि ऑक्सीजन है इसलिए हम ऑक्सीजन से ही मोस्टली रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये क्या है? ये क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा? प्रोडक्ट्स होगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। मैग्नीशियम जो होता है एक तरह का वाइट रिबन होता है, जब हम इसको एयर की प्रेजेंट में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ये एक पाउडर के रूप में बनता है। तो आप देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है पाउडर होता है और मैग्नीशियम जो होता है रिबन के फॉर्म में होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीशियम से बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें नया सब्सटेंस बनता है नई प्रॉपर्टी के साथ बनता है। अभी हमने आपको जो एग्जांपल दिया था मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्निंग वाला प्रोसेस, वो हमारा जो होता है लेबोरेटरी वगैरह में होता है। तो लेकिन जो केमिकल रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो हमारे डेली लाइफ में भी हो सकता है। डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। इट मीन्स हमें बहुत सारे ऐसे चेंजमेंट मिलते हैं जो कि जिसमें जो प्रोडक्ट्स होता है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अगर हम दूध से दही बनाते हैं तो आप देखेंगे कि जो दूध का कंपोजिशन होता है वो कर्ड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी कर्ड जो होता है वो मिल्क से बिल्कुल डिफरेंट होता है। कर्ड का कंपोजिशन कुछ और होता है, मिल्क का कंपोजिशन कुछ और होता है। कुकिंग ऑफ फूड, अगर हम खाना बनाते हैं तो जैसे जो रॉ वेजिटेबल्स होती हैं या फिर जो आटा होता है, डो होता है, तो उसका जो कंपोजिशन होता है वो कुकिंग फूड, यानी कि जब पकी हुई सब्जियां होती हैं और जो आटे से हम रोटियां वगैरह बनाते हैं तो उसके कंपोजिशन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। डाइजेशन ऑफ फूड, जब हम खाना खाते हैं तो उसका जो डाइजेशन होता है वो भी केमिकल रिएक्शन में आता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जिसमें हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होता है। इसके अलावा फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स होती है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में किसी में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ग्रेप्स में फर्मेंटेशन का प्रोसेस, आयरन में रस्टिंग कर रखने का प्रोसेस यानी कि आयरन में जो जंग लगने का प्रोसेस होता है, ईंधन जलने का जो जूस की बर्निंग का जो प्रोसेस होता है, जैसे हम घरों में गैस का यूज करते हैं और गाड़ियाँ वगैरह चलाने के लिए पेट्रोल का यूज करते हैं उसमें फ्यूल बर्न होता है, वो भी प्रोसेस। हम कैंडल वैक्स बर्न करते हैं, जो मोमबत्ती वगैरह चलाते हैं, तो ये सारे प्रोसेस हम घर में देखते हैं और ये सारे प्रोसेस भी केमिकल रिएक्शन में ही आते हैं। इस तरह से केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस केवल लेबोरेटरी में ही नहीं पॉसिबल है बल्कि हमारे घरों में भी हम ये देख सकते हैं। अब जो हमारे केमिकल रिएक्शन होती हैं वो हम कैसे पहचानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
हम उसके बेस पे ये पहचान सकते हैं कि वाकई में जो प्रोसेस हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ ए, सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, थर्ड है चेंज इन कलर, फोर्थ है चेंज इन टेम्परेचर एंड फिफ्थ है चेंज इन स्टेट। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस बनती है या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है या कलर चेंज हो जाता है, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसका जो कलर है वो रिएक्टेंट से डिफरेंट हो जाता है, या चेंज इन टेम्परेचर, जो रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है, या चेंज इन स्टेट यानी कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसका जो स्टेट है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि उस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वन बाई वन करके अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कलर चेंजिंग, टेम्परेचर चेंजिंग और स्टेट चेंजिंग का जो प्रोसेस होता है वो केमिकल रिएक्शन में होता है। तो सबसे पहले हम बताते हैं इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। जो केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन में जो होती है गैसेस निकलती है, तो जब वो गैस निकलती है तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इनकी जब रिएक्शन होती है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसकी रिएक्शन क्या होगी, Na2CO3+HCl तो बनेगा NaCl+H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इसका मतलब है ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो किसी भी रिएक्शन में अगर गैस निकलती है तो हम ये कह सकते हैं कि उस रिएक्शन में वो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट व्हाइल सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये जो होता है एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन के समय जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, सॉल्यूशन से बिल्कुल अलग हो जाता है, डिफरेंट दिखाई पड़ता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हम वाटर में चॉक पाउडर मिलाते हैं तो चॉक पाउडर जो होता है वो नीचे की ओर इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक प्रेसिपिटेट होता है। तो ये चीज होती है प्रेसिपिटेशन का जो फॉर्मेशन होता है वो भी केमिकल रिएक्शन में हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे पोटेशियम आयोडाइड Ki, इसका फॉर्मूला है Ki एंड लेड नाइट्रेट PbNO3। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो Ki और PbNO3 मिलके जो पोटेशियम नाइट्रेट और जो होता है लेड आयोडाइड बनता है। तो ये जो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है उसका जो कलर होता है वो येलो कलर, लेड आयोडाइड का जो कलर होता है वो येलो कलर का होता है, यानी कि लेड आयोडाइड का येलो कलर का हमें प्रेसिपिटेट मिलता है। दिस मीन्स हमें प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हो रहा है तो वो रिएक्शन भी केमिकल रिएक्शन में काउंट होती है। अगर केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके कलर में चेंज आ जाता है, वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं कलर में, तो भी हम कह सकते हैं कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो इसका एग्जांपल है जैसे साइट्रिक एसिड होता है और साइट्रिक एसिड का जो और पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, लेकिन जब इसकी रिएक्शन साइट्रिक एसिड से कराते हैं तो पर्पल कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है, यानी कि उसका जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। किस कारण से, क्योंकि साइट्रिक एसिड उसमें डाल देते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4, तो इसकी रिएक्शन जब हम साइट्रिक एसिड से कराते हैं तो उसका जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये भी ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। जब किसी रिएक्शन में टेम्परेचर में चेंज होता है तो भी हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। वो टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, वो टेम्परेचर लो भी हो सकता है। जैसे द केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय द चेंज इन टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर, मतलब कि अगर किसी में टेम्परेचर में बढ़ रहा है या टेम्परेचर घट रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई रिएक्शन कराते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, किसी रिएक्शन में जो टेम्परेचर घट जाता है तो वहां पे भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि चेंज इन स्टेट। जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो स्टेट है, वो स्टेट का मतलब है जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें चेंजमेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए लिक्विड है, जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड स्टेज में है और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो क्या है, सॉलिड स्टेज में है, तो अगर इस तरह का जो चेंज होता है वो भी केमिकल रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल कम्बशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज बाय द चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड लिक्विड एंड गैस।
से कैंडल वैक्स होती है वो सॉलिड होती है, लेकिन जब उसको हम जलाते हैं तो उसमें से नीचे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और उसमें जो ऊपर गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैस फॉर्म में होती है। यानी कि सॉलिड जो वैक्स होती है वो लिक्विड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से स्टेट में चेंज हो जाता है, और ये जो स्टेट में चेंज है ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम आपको बताते हैं केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्वड। अभी हमने बताया आपको केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें रिएक्टेंट्स होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन के बाद बनते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको उनके सिंबल की हेल्प से लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब जिंक मेटल की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। देखिए हमने यहाँ पे जिंक को पूरा लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड पूरा लिखा है, फिर उसके बाद जो जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन, इनकी पूरे पूरा हमने नाम लिखा है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा पूरा किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का पूरा पूरा नाम लिखें, तो इसके लिए हम उनके सिंबल यूज करते हैं। जैसे जिंक के लिए हमने जेडन का यूज कर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4 का यूज कर लिया, जिंक सल्फेट के लिए ZnSO4 और हाइड्रोजन के लिए H2 का यूज कर लिया। तो अब हमने ये जो रिएक्शन है ये सिंबल्स की हेल्प से यूज की, सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से लिखी है, तो इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूला की हेल्प से लिखते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन में भी जैसे हमने केमिकल रिएक्शन में बताया था कि प्रोडक्ट्स होते हैं और रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, जो कंबाइंड होते हैं, और रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस हमें रिएक्शन के बाद मिलते हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन के बारे में। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखिए जिसमें जो रिएक्शन करने के पहले और रिएक्शन करने के बाद, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों में जो भी एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके इक्वल नंबर होते हैं, नंबर इक्वल होंगे तो वो क्या होगी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, Zn प्लस H2SO4 तो ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में Zn क्या है, 1 है, और प्रोडक्ट्स में भी Zn क्या है, 1 है। यहाँ पे रिएक्टेंट में H क्या है, 1 है, और हाइड्रोजन में क्या है, जो है सॉरी रिएक्टेंट में क्या है, 2, और उसमें भी 2 है। S जो है वो 1 है, इधर भी प्रोडक्ट्स में क्या है, 1 है। O क्या है, 4 है, और इधर भी रिएक्टेंट में क्या है, वो प्रोडक्ट्स में 4 है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में Zn, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन सबकी जो क्वांटिटी है वो सेम है, एटम सेम है, तो यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में जो एटम्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, H2 + O2 = H2O। रिएक्टेंट्स में आप देखा कि H के दो एलिमेंट्स, दो एटम है, प्रोडक्ट्स में भी H के दो एटम है। और रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन के कितने हैं एटम्स, 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन का 1 ही एटम है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे ये अनबैलेंस रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो एटम के नंबर है वो सेम नहीं है। तो अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन में भी कन्वर्ट करना होता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ओके, बाय।